इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से बढ़ते हुए डेंगू के केसेस इस समय देखने को मिल रहे हैं, इन सभी चीज़ों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ इनसाइडर में। थैंक यू मैम। आपसे जानना चाहूँगा कितने सारे केसेस अभी जो हैं वो जम्मू में एक्टिव हैं और किस तरह लोग जो है इस डेंगू से अभी बचें और किस तरह आप उस पर जो है अभी काम करवा रहे हैं। आप हिसाब लगा सकते हैं कि 85 पेशेंट्स हमारे पीडियाट्रिक्स वार्ड्स में अभी बच्चे, ऑलमोस्ट 70 एडमिशन्स रोज़ हो रही हैं पिछले 3 दिन से। तो किस तरह लोगों को ये पता चले कि हमें डेंगू हुआ है, उसके क्या कुछ सिम्टम्स हैं? जैसे अभी दूर दराज लोग जो गांवों के अंदर हैं उनको पता नहीं चल रहा है, बुखार लोगों को आ रहा है, वो कह रहे हैं कि वायरल है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कि फिर उन लोगों को जो है वो एडमिट होना पड़ता है। इसके थोड़े सिम्टम्स और लोग इनसे इस बीमारी से कैसे बचें उसको थोड़ा सा ब्रीफ करिए। ये ऐसा एक सीजनल फीवर है, जैसे ही ये मानसून सीज़न है शुरुआत हो जाती है जुलाई में इसकी, हर साल जुलाई के बाद के जितने भी बुखार हैं और आजकल पर्टिकुलरली जब हम जानते हैं कि डेंगू चल रहा है, तो पहला जो बुखार का कारण डेंगू ही अपने आप में मान लेना चाहिए जब तक ना उसको रूल आउट करें। वैसे इसको बोन ब्रेकिंग फीवर बोलते हैं, बहुत बॉडी एक्स, मसल एक्स, जॉइंट पेन्स, आँखों के पीछे सिर में दर्द, पर्टिकुलरली रिट्रॉट ऑर्बिटल पेन बोलते हैं इनको, और रैश हो जाता है, बुखार तेज़ होता है इसमें, और एकदम टेस्ट करवाना चाहिए। और टेस्ट भी लकीली हमारी 10 सेंटिनल साइट्स भी हैं और मेडिकल कॉलेज में राउंड द क्लॉक ये टेस्ट चल रहा है, और जल्दी से जल्दी रिपोर्ट देने की कोशिश, जैसे कोविड में हमारी टीम्स एक्टिव थी अभी फिर वैसे ही इस एपिडेमिक में वो सारी टीम्स एक्टिव हैं, ताकि डायग्नोसिस होगा तो उसके बाद मैनेजमेंट शुरू होगी। तो लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि हम तो मच्छर के काटने से डेंगू बुखार हो जाता है, एपिडेमिक हो गई है। इस बार ये जो एपिडेमिक है इसका जो ज़्यादातर देखा गया है प्रभाव सरवाल, रिहाड़ी, जानीपुर, पलोड़ा, जैसे पिछली एक बड़ी एपिडेमिक डेंगू की अगर कभी रही थी तो वो गांधीनगर, बड़ी ब्राह्मणा, गंग्याल, सांबा, विजयपुर, वहाँ पर ज़्यादा इसका रहा था प्रभाव। तो एक बार जब ये मच्छर भी है और कोई डेंगू का पेशेंट है और वो मच्छर ज़्यादा होने से फैलना शुरू हो गया, क्लस्टरिंग शुरू हो गई, तो एपिडेमिक वहीं पे एक वाइल्ड फायर की तरह बढ़ जाती है। अब रोल किसका है इसको कंट्रोल करने में? हर साल बरसात होगी, डेंगू का सीज़न आने वाले से पहले ही हमें तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। तो मेरे साथ जो आपकी ये बातचीत है उसका सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है जो फ़ायदा हमें होना चाहिए वो ये है पब्लिक पार्टिसिपेशन। जैसे बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ की टू ऑल, लाइक दैट इज़ बेटर देन क्योर, एंड अवेयरनेस इज़ की टू ऑल प्रिवेंशंस। अवेयरनेस मतलब मच्छर नहीं होगा तो डेंगू नहीं होगा। अब मच्छर पानी में पैदा हो रहा है और सब लोग कह रहे हैं कि जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का दायित्व है, साफ सफाई नहीं है, नालियों में शायद मच्छर पैदा हो रहा है। वो जो एनोफिलीज मॉस्किटो जो मलेरिया करने वाला है वो ज़रूरी नालियों में पैदा होता है, और मलेरिया इसीलिए नाम दिया गया था कि जिधर मैल एयर स्मेलिंग ड्रेन्स हों वहाँ पर यह मच्छर पैदा होता था। ये डेंगू का जो मच्छर है ये हमारे घर में पैदा होता है, हमारे वाजिज हैं, बच्चों के कोई खिलौने पड़े हैं, कोई मग है, कोई टायर है, कोई चीज़ जिसमें थोड़ा सा पानी रुक गया, साफ पानी, और उसमें ये मच्छर पैदा होता है। तो हमारी बालकनी में, हमारे छत में, हमारे घर के अंदर ये जो मच्छर है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम हैं। हर पब्लिक का सदस्य जो है, मुझे लगता है पब्लिक पार्टिसिपेशन की बड़ी ज़रूरत है। आप मेरे आपके इस चैनल के माध्यम से ये लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचाइए कि हर कोई अपने घर में कहीं भी पानी, वाज, कोई फ्लावर वाज है, कोई मनी प्लांटर्स हैं जैसे पानी में लगाए हुए, पानी बिल्कुल उल्टा करके बर्तन को स्क्रब करके सुखा के, जैसे हफ्ते में एक बार वो खाली करना ही करना है। और अपने यानी कि जिन लोगों के घर में पानी स्टोर किया है, टंकीज वगैरह रखी हुई हैं, उनको भी जो है वो साफ किया जाए, उनको भी देखा जाए। टंकियाँ ढकी होंगी तो मच्छर उसमें अंडे नहीं दे पाएगा, इसलिए कवर्ड होनी चाहिए, टाइट लिडेड होनी चाहिए। एक ढक्कन वाले पानी में, रिजर्वायर में अगर वो है पानी तो कोई बात नहीं। तो जो पक्षियों के लिए कटोरे या ऐसे पानी हमने कहीं भी सजावट के लिए
अब वो रखा है वो एकदम फेंक के उल्टा कर देना चाहिए और स्क्रब करके उसको, अंडे नीचे रहते हैं उसके, वो स्क्रब करके साफ़ करके फिर उसमें पानी भरना चाहिए। ये इस बार नहीं करना चाहिए, हर बार जून जुलाई के महीने जैसे ही बरसात शुरू होती है पुराने अंडे फिर से एक्टिवेट होंगे, फिर से शुरुआत होगी। और कहीं ना कहीं लोगों के कन्फ्यूजन रहती है कि मौसम बदल रहा है उसी के चलते ये सब कुछ है। नहीं, तो ये मेरे को लगता है कि अगर हम हर कोई मच्छर जो है एडीज इजिप्शियाई, इसका रेंज, इसका रेडियस उड़ान का 200 मीटर तक रहता है, तो मेरी जो प्रिकॉशंस हैं, मेरे घर में जो मच्छर है यहाँ से या किसी भी जगह पे जो पैदा हुआ मच्छर 200 मीटर तक उड़ के वो ये बीमारी फैलाने के लिए ज़िम्मेवार रह सकता है। तो मच्छर नहीं तो डेंगू नहीं, जब यही एक की पॉइंट है समझने के लिए। तो अगर हम सारे समझें, क्योंकि बड़ा दुख होता है, एक तो डेंगू भी बुखार आपको इनकैपेसिटेट करता है एक हफ्ते के लिए, फिर इसके साथ एक पैनिक जुड़ा है, सब एंग्जाइटी में चले जाते हैं, प्लेटलेट्स फॉल हो रहे हैं, कोई अनफॉर्चुनेटली 5 मौतें हो चुकी हैं, छुपाने की कोई बात नहीं, क्योंकि डिजीज़ प्रोसेस में ही डेंगू शॉक सिंड्रोम, पेशेंट शॉक में आता है, लेट आता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका है तो कुछ नहीं कर सकेंगे। एक पेशेंट आए, डेंगू हेमरेजिक डिजीज़ हो चुकी थी, यानी उनको इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो गई, दिमाग के अंदर हेमरेज हो गई, वो वजह रही डेथ की। तो ये डेंगू की जो डॉक्यूमेंटेड और नॉन डिजीज़ प्रोसेस को लेके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, डेंगू शॉक सिंड्रोम और डेंगू हेमरेजिक, हमारी तैयारियों में, मैनेजमेंट में, हमारे डॉक्टरों की तरफ से, हमारे पैरामेडिक्स की तरफ से, हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी में डॉक्टर्स की टीम्स दिन रात बैठी हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी, कोई किट्स के लिए अरेंजमेंट, कोई ह्यूमन रिसोर्स हमारा कम पड़ने लगता है जब एपिडेमिक होती, हमारी तैयारियों में 100% कमी होते हुए, कमी ना होते हुए भी अगर एक भी डेथ होती है तो हमारे लिए काफ़ी पीड़ाजनक रहता है। तो ये सारा पब्लिक पार्टिसिपेशन से पॉसिबल हो सकता है कि हम डेंगू मुक्त जम्मू रख सकते हैं, अगर सोच लिया जाए कि हमने मच्छर पैदा होने ही नहीं देना। तो अपने घर में, बालकनीज में, छत में, आसपास कोई खाली जगहें हैं, प्लॉट्स हैं, कहीं पानी रुकता है, हर एक को जिम्मेवारी से अपना अपना और अपने आस पड़ोस का अगर ध्यान रखने की जागृति आ जाए तो मुझे लगता है कि डेंगू कंट्रोल हो जाएगा बहुत जल्दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप टाइम देने के लिए। नाज़रीन, आपने सुन लिया मैम का क्या कुछ कहना था कि जितने भी लोग जो हैं, जब तक न खुद इस चीज़ का ध्यान में रखें कि अपने घर के आसपास में, अपनी बालकनी में, जहाँ पर भी पानी जो बह रहा है, खुला पानी जहाँ पर भी रह रहा है, उस जगह पे जो है ये मच्छर जो है बन रहा है, और कहीं ना कहीं जब वो मच्छर वहाँ से बनेगा आपके घर में आ सकता है और आपके बच्चों को काट सकता है, आपको भी उस चीज़ का वो नुकसान हो सकता है। फिलहाल आप मज़ीद बने रहें हमारे साथ न्यूज़ इनसाइडर पे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।